आज आप लोगों को वर्षण के बारे में बताऊंगी, गर्भ वर्तन। यूट्रस में फिटस की स्थिति को फेवरेबल स्थिति में लाने के लिए हाथों द्वारा फिटस की लाई या प्रेजेंटेशन में किया जाने वाला परिवर्तन वर्षण कहलाता है। यूट्रस में फिटस की जो स्थिति होती है, लाई होती है, उसको फेवरेबल स्थिति में लाने के लिए हाथों द्वारा गर्भस्थ शिशु की जो लाई या प्रेजेंटेशन में किया जाने वाला परिवर्तन वर्षण या गर्भवर्तन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर यदि इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि जो फीटस की लाई ऑब्लिक या ट्रांसवर्स में परिवर्तित कर उसे लॉन्गिट्यूडिनल की जाती है, या फिर लॉन्गिट्यूडिनल लाई के दौरान जो गर्भस्थ शिशु होता है, फीटस होता है, उसका प्रेजेंटेशन ब्रीच से परिवर्तित कर उसे सिफेलिक किया जाता है। ठीक है, यदि जो फीटस है वो ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो उसको सिफेलिक प्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को या इस जो प्रोसेस होती है वाली, इसे हम वर्षण कहते हैं। अब हम देखेंगे सिफेलिक वर्षण क्या होता है। सिफेलिक वर्षण में जब वर्षण की जो प्रोसेस के दौरान क्या होता है, गर्भस्थ शिशु का जो हेड होता है, सिर वाला हिस्सा, सिफेलिक पोल को यूट्रस के लोअर पोल में लाया जाता है, तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है इसे सिफेलिक वर्षण कहते हैं। ठीक है, सिफेलिक वर्षण में जो यूट्रस का सिफेलिक वाला पोल होता है उसको यूट्रस के लोअर पोल में लाया जाता है, तो इसे सिफेलिक वर्षण कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पोडेलिक वर्षण। पोडेलिक वर्षण क्या होता है? पोडेलिक वर्षण में जब गर्भस्थ शिशु की पोडेलिक वर्षण में जो वर्षण की जो प्रोसेस के द्वारा जो फीटस होता है उसका पोडेलिक पोल यूट्रस के लोअर पोल में लाया जाता है, तो इस प्रकार की प्रोसेस को पोडेलिक वर्षण कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे वर्षण के टाइप्स ऑफ वर्षण। वर्षण थ्री टाइप्स का होता है। फर्स्ट है एक्सटर्नल वर्षण, सेकेंड है इंटरनल वर्षण, और थर्ड है बाइपोलर वर्षण। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे एक्सटर्नल वर्षण। एक्सटर्नल वर्षण में जब फीटस की लाई अथवा प्रेजेंटेशन में परिवर्तन केवल मैनिपुलेशन के द्वारा किया जाता है, तो इस प्रकार के वर्षण को एक्सटर्नल वर्षण कहते हैं। एक्सटर्नल वर्षण में जब फीटस की लाई या प्रेजेंटेशन में परिवर्तन केवल बाह्य तरीके से ऊपर से मैनिपुलेशन के द्वारा किया जाता है, तो इस प्रकार के वर्षण को एक्सटर्नल वर्षण कहते हैं। सेकेंड है इंटरनल वर्षण। इंटरनल वर्षण जब वर्षण करने के लिए हैंड पर्सनल एक हाथ यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है तथा दूसरा हाथ जो होता है एब्डोमेन के ऊपर रखा जाता है, तो इस प्रकार के वर्षण को इंटरनल वर्षण कहते हैं। इंटरनल वर्षण में एक हाथ सर्विक्स के अंदर यूट्रस के अंदर डाला जाता है और दूसरा हाथ को एब्डोमेन के ऊपर रखते हैं, तो इस प्रकार के वर्षण को इंटरनल वर्षण कहते हैं। थर्ड है बाइपोलर वर्षण। बाइपोलर वर्षण में क्या होता है कि इसमें इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि एक हाथ की एक या दो उंगली को सर्विक्स के अंदर डाला जाता है और दूसरा हाथ एब्डोमेन के ऊपर रखा जाता है पूर्ण तरीके से। इस प्रोसेस के अंतर्गत सामान्यतः माइल्ड या मॉडरेट स्तर का जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है इस के दौरान यह प्रोसेस की जाती है, या फिर डेथ शिशु होता है या फिर डिफॉर्मेंट होता है, तो इस कंडीशन में यह बाइपोलर वर्षण किया जाता है। क्यों किया जाता है? माता जो मदर होती है उसकी जान को बचाने के लिए। इसके दौरान सर्विक्स के अंदर एक या दो फिंगर्स को डालकर जो गर्भस्थ शिशु होता है उसके सिर को इलियक फोसा की ओर पुश किया जाता है। सर्विक्स में वन या टू फिंगर को प्रविष्ट किया जाता है और जो फीटस का हेड होता है उसको इलियक फोसा की ओर पुश किया जाता है तथा जो लेग होता है, लेग का एंकल वाला भाग को पकड़कर उसको टांग ने जो लेग के नीचे की ओर, लेग के एंकल वाले भाग को पकड़कर
इससे क्या होता है, लेक के नीचे की ओर लाने की ओर लाने के लिए लाया जाता है, जिससे कि प्लेसेंटा के ऊपर क्या हो सके, प्रेशर पड़ सके। ठीक है, मतलब जो फीटस होता है, ठीक है, उसके सिर को एक इलियक फोसा की ओर पुश किया जाता है तथा एक लेग को एंकल वाले स्थान को पकड़ लिया जाता है और इसे नीचे की ओर लाने का प्रयास किया जाता है। और ऐसा करने से क्या होता है, प्लेसेंटा के ऊपर प्रेशर पड़ता है और जिससे कि ब्लडिंग रुक जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये हो गए 3 टाइप्स के वर्सन। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन। एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन क्या होता है, ठीक है, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन में जब यह एक्सटर्नल मतलब बाहरी तरफ से, एक्सटर्नल मतलब बाहरी तरफ से है ना, ऊपर से, जब एक्सटर्नल मैनिपुलेशन के द्वारा फीटस के सिर वाले हिस्से को सिफेलिक पोल, सिर वाला हिस्सा मतलब सिफेलिक पोल को यूट्रस के लोअर पोल में लाया जाता है, तो इस प्रोसेस को एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन कहते हैं। फीटस के सिफेलिक वाले पोल को यूट्रस के लोअर पोल में लाया जाता है, कैसे, एक्सटर्नल मैनिपुलेशन मतलब बाह्य मैनिपुलेशन के द्वारा नीचे की ओर लाया जाता है, तो इस प्रकार की प्रोसेस को एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन कहा जाता है। अब इसके इंडिकेशन से कुछ इंडिकेशन, जैसे कि यह किस कंडीशन में किया जाता है, तो फर्स्ट है इसमें ब्रिज प्रेजेंटेशन, सेकेंड है ट्रांसवर्स लाइन। ब्रिज प्रेजेंटेशन क्या होता है, जब एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन के द्वारा ब्रिज प्रेजेंटेशन को सिफेलिक प्रेजेंटेशन में तथा ट्रांसवर्स लाइन को लॉन्गिट्यूडनल लाइन में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो ब्रिज प्रेजेंटेशन के दौरान एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन की तैयारी कैसे करेंगे, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन की पूर्व तैयारी। एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन करने के पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन से पूर्व करने के पहले ही हम पूरा सोनोग्राफी के द्वारा जो फिटनेस होता है उसकी प्रेजेंटेशन, एटीट्यूड, उसका बैक साइड और उसकी लेग की पोजीशन को पुनः एक बार अच्छे तरह से चेक कर लेनी चाहिए। ठीक है, गर्भवती जो महिला होती है उसके वाइटल साइन, जनरल स्टेटस, हेल्थ स्टेटस को असिस्ट करेंगे। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट में अगर आते हैं तो नॉन स्ट्रेट टेस्ट कर लेंगे, जिससे कि गर्भस्थ शिशु जो होता है, फिटनेस होता है, उसमें डिस्ट्रेस ना हो, इसकी जानकारी अच्छे से चेक कर लेंगे ताकि बच्चे में डिस्ट्रेस ना हो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो गर्भवत जो महिला है, वुमेन है, उसका जो यूरिनरी ब्लडर होता है उसको खाली होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे दैट उसको जो महिला है उसको सुपाइन पोजीशन में लिटा देंगे। देन सोनोग्राफी द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा को असिस करना चाहिए। देन उसके बाद हम करेंगे कि यदि आवश्यकता हो तो महिला को टोकोलाइटिक ड्रग्स देनी चाहिए। टोकोलाइटिक ड्रग्स मतलब जो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन को कम करते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन में पहले तो हम चेक कर लेंगे, सेकेंड नॉन स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, ब्लडर खाली होना चाहिए, सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा को असिस करेंगे और टोकोलाइटिक ड्रग्स यदि जरूरी हो तो देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसेस जो वास्तविक तरीके से जो ट्रू प्रोसेस है वो हम करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि प्रोसेस में एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन के समय जो फीटस के जो बटक्स होते हैं, बटक्स को ऊपर की ओर घुमाया जाता है जिस ओर की उसकी पीठ स्थित है,
तथा इसे फंडस वाले भाग में ले जाया जाता है, ठीक है। जो सिर वाला सिफेलिक वाला जो भाग है उसको कहाँ ले जाया जाएगा, पीठ की ओर, मतलब इसे फंडस वाले भाग में ले जाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, यदि दाहिने हाथ से बटक्स को पकड़कर फंडस की दिशा में घुमाया जाता है जबकि जो लेफ्ट हैंड होता है उसको सिर को पकड़कर यूट्रस के नीचे लोअर पोल की ओर घुमाया जाता है। इस सारी प्रोसेस के दौरान सिर तथा सिर एवं जो बैक का फ्लेक्शन बनाए रखा जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसी प्रोसेस के को धीरे धीरे जारी रखेंगे और दाहिने हाथ से जो बटक्स को धीरे धीरे ऊपर की ओर दबाएंगे और जबकि दाहिने हाथ से सॉरी लेफ्ट हैंड से धीरे धीरे सिर को पेल्विक की ओर घुमाएंगे, लेफ्ट हैंड से सिर को पेल्विक की ओर घुमाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, जो फिटस होता है वो ट्रांसवर्स लाई में आ जाएगा। ट्रांसवर्स लाई में आने के बाद हम क्या करेंगे, फीटल वेल बीइंग को कंफर्म करने के लिए FHS एक बार पुनः चेक करेंगे। उसके बाद में FHS यदि चेक कर लिया हमने, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम ऑब्स्टेट्रिशियन अपने जो हाथ होते उसको हम बदल लेंगे, जो भी कर रहा है ये प्रोसेस वो अपने हाथ को चेंज कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, दाहिने हाथ द्वारा सिर को पकड़कर पेल्विक की ओर घुमाएंगे। अब राइट हैंड, अभी लेफ्ट हैंड था, अब राइट हैंड के द्वारा पेल्विक सिर वाले भाग को पेल्विक की ओर घुमाया जाएगा और लेफ्ट हैंड द्वारा अब बटक्स को पकड़ेंगे और इसको फंडस की ओर घुमाएंगे। इस प्रोसेस में गर्भस्थ शिशु के सिर को गर्भाशय के निचले सिरे में लाने तक कंटिन्यू यह करते रहेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस की समाप्ति के बाद फिटल वेल बीइंग को असिस्ट करने के लिए एक बार पुनः से नॉन स्टेट टेस्ट करेंगे। ये प्रोसेस करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस के पश्चात महिला को आधे घंटे से एक घंटे तक किसी असामान्य वेजाइनल ब्लीडिंग तथा प्रीमेच्योर अवस्था में फटने वाली जो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन यदि की उपस्थिति होती है तो इसका भी बारीकी से हम मॉनिटरिंग करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस के पश्चात कुछ समय तक शिशु या बेबी की ब्रेडिकार्डिया की समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसे सामान्यतः 10 से 15 मिनट तक यह के बाद यह समाप्त हो जाती है। यदि ब्रेडिकार्डिया की संभावना लगातार रहती है तो रिवर्शन करना पड़ता है इसमें, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन का समय क्या होता है। एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन यह 35 से 37 वीक की अवधि के मध्य में करना चाहिए। इस अवधि के दौरान जो प्रोसेस कर पाना आसान होता है क्योंकि साथ ही इस अवधि के दौरान वर्सन कर देने के बाद इसके रिवर्शन होने की संभावना भी कम रहती है, इसलिए, ठीक है। यदि प्रोसेस के दौरान कोई असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो गर्भस्थ शिशु की डिलीवरी सीजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा भी कराई जा सकती है। 37 वीक्स के बाद यदि हम ये करते हैं तो क्या होता है कि शिशु का जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा भी थोड़ी कम हो जाती है, जिसके कारण ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए यह 35 से 37 वीक के बीच में करना चाहिए। अब एक्सटर्नल सिफिलिक वर्सन के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो अम्बिलिकल कॉर्ड में नॉट का पड़ जाना से फीटल सर्कुलेशन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट हम सेकेंड देखेंगे कि जो लेबर की प्रोसेस का समय पूर्व प्रारंभ हो जाना, जैसे प्रीमेचर ऑनसेट ऑफ लेबर हो सकता है, PROM हो सकता है, झिल्लियों का समय से पूर्व हट जाना। उसके बाद यूट्रस के गर्भवर्षण के दौरान क्या होता है कि जो
प्लेसेंटा के अटैचमेंट स्थान से पृथक हो जाने के कारण ब्लडिंग होने की भी संभावना इसमें होती है। ठीक है, अब एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन के कॉन्ट्राइंडिकेशन देखेंगे हम। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कब हमें नहीं करना चाहिए। यदि गर्भवती महिला अथवा गर्भ शिशु से संबंधित कुछ स्थितियाँ यदि मौजूद होती है उसमें, तो फिर हमें यह प्रोसेस नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि महिला में क्या कंडीशन होती है कॉन्ट्राइंडिकेशन की। तो इसमें फर्स्ट है प्लेसेंटा प्रीविया प्रेप्सियो प्लेसेंटी और मल्टीपल प्रेगनेंसी, थर्ड है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, और फोर्थ आएगा यूट्राइन डिफॉर्मिटी जैसे कि बाइकॉन्वेक्ट यूट्रस, सेपरेट यूट्रस की उपस्थिति, इसके अलावा सीवियर प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया की उपस्थिति, और इसके अलावा है ओलिगोहाइड्रोमियास, और नेक्स्ट है पूर्व एलएससीएस मतलब प्रीवियस एलएससीएस की हिस्ट्री। ये कंडीशन में वुमेन के लिए एक कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि फीटस की संबंधित कुछ कंडीशन है, जैसे कि जब गर्भ शिशु का सिर अत्यधिक तना होता है हाइपर एक्सटेंडेड, तब यह कॉन्ट्राइंडिकेशन की स्थिति होती है, तब हमें नहीं करना चाहिए। और सेकेंड है फिटल डिस्टेस यदि है तो फिर हमें वर्सन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गर्भ शिशु की जन्मजात विकार की उपस्थिति कंजेनेटल डिफॉर्मिटीज है तो भी यह हमें वर्सन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे यदि गर्भ शिशु डेथ हो चुका है तो भी यह स्थिति या प्रोसेस हम नहीं करेंगे। और इसके अलावा फूड लिंक प्रेजेंटेशन यदि है तो भी इसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब इसके बाद देखेंगे हम एक्सटर्नल कोडेलिक वर्सन। अभी हमने देखा एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन, अब देखेंगे हम एक्सटर्नल कोडेलिक वर्सन। जब ट्रांसवर्स लाइल के दौरान एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन असफल हो जाता है तो फिटस की लाई को लॉन्गिट्यूडिनल करने के लिए एक्सटर्नल कोडेलिक वर्सन किया जाता है। इसे मैनिपुलेशन के द्वारा जो कोडेलिक भाग होता है शिशु का, जो कोडेलिक भाग होता है उसको यूट्रस के लोअर पोल में लाया जाता है, तो इसे एक्सटर्नल कोडेलिक वर्सन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया एक्सटर्नल सेफेलिक वर्सन और एक्सटर्नल कोडेलिक वर्सन। अब हम देखेंगे इंटरनल वर्सन। इंटरनल वर्सन क्या होता है? जब एक हाथ यूट्रस के अंदर प्रविष्ट किया जाता है, दूसरा हाथ यूट्रस के ऊपर रखा जाता है और इसके बाद रख कर के ही वर्सन किया जाता है। एक हाथ यूट्रस के अंदर और दूसरा हाथ एब्डोमेन के ऊपर रख कर के वर्सन किया जाता है, तो इस प्रकार की प्रोसेस को इंटरनल वर्सन कहते हैं। इंटरनल वर्सन सामान्यतः जो होता है इंटरनल कोडेलिक वर्सन, अर्थात इसमें फिटस का कोडेलिक पोल यूट्रस के लोअर पोल में लाया जाता है। इंटरनल वर्सन में सामान्यतः जो कोडेलिक वर्सन होता है, इंटरनल कोडेलिक वर्सन होता है, इसमें फिटस का कोडेलिक पोल जो होता है उसको यूट्रस के लोअर पोल में लाया जाता है। अब इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं देखेंगे। इंडिकेशंस में जैसे ये ट्विन्स प्रेगनेंसी के समय सेकेंड बेबी की लाई यदि ट्रांसवर्स है तो फिर इसके डिलीवरी के लिए यह किया जाता है। और इसके अलावा नेक्स्ट जैसे फिटस की लाई ट्रांसवर्स हो तो हो तथा सर्विक्स अच्छी तरह फुली डायलेट हो तब किया जाता है। कॉर्ड प्रोलेप्स के दौरान जब लाई ट्रांसवर्स हो तथा सर्विक्स अच्छी तरह से डायलेट हो और इंटरनल वर्सन की प्रोसेस निम्न कंडीशन में की जाती है, जैसे जब सर्विक्स फुली डायलेटेड हो और एम्नियोटिक फ्लूइड की मात्रा अच्छी हो तभी यह प्रोसेस हमें करना चाहिए, क्योंकि इसमें इंटरनल रोटेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। अब इसकी हमें प्री तैयारी कैसे करेंगे? यदि हमको इंटरनल वर्सन करना है, इंटरनल कोडेलिक वर्सन करना है,
इंटरनल वासन करने के लिए हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि जो फीटस की लाई होती है उसका हेड, उसका बैक, उसके बटक्स की स्थिति पुनः एक बार अच्छे से एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इसका अच्छे तरह से कर लेंगे और उसके बाद फिर पेशेंट को मेजर ऑब्स्टेट्रिक ऑपरेशन के लिए तैयार करेंगे। थर्ड, यूट्रस की जो यूट्राइन वॉल होती है उसको शिथिल करने के लिए एक एनेस्थीसिया दिया जाता है इसमें। फोर्थ पॉइंट है, महिला को लिथोटोमी पोजीशन दी जाती है इसमें, ठीक है, लिथोटोमी पोजीशन दी जाती है। एनेस्थीसिया का जब प्रभाव हो जाने के बाद ऑपरेशन के लिए एक हाथ की सहायता से लेबिया मेजोरा को पृथक करेंगे और दूसरे हाथ से वेजाइनल केनाल से होते हुए यूट्रस तक हम इंसर्ट करेंगे हाथ को। यदि फीटस का पोडेलिक पोल माता जो वुमेन है कि बाई तरफ होता है तो हम अपना हाथ दाहिना हाथ अंदर की ओर प्रविष्ट करेंगे। यदि यूट्रस में जो फीटस होता है उसका पोडेलिक पोल दाहिनी तरफ होता है तो फिर ऑपरेटर यानी कि हम जो भी उस प्रोसेस को कर रहा है वह अपना लेफ्ट हैंड यूट्रस में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हाथ को कोन शेप्ड में बना करके ही अंदर डालेंगे और पोडेलिक पोल के पास ले जाएंगे। दूसरा हाथ महिला के एब्डोमेन के ऊपर रख दिया जाता है। अब इसके बाद करेंगे हम जब गर्भाशय यानी यूट्रस के अंदर स्थित हाथ के द्वारा यूट्रस के अंदर जो फीटस होता है फीटस के फुट की पहचान की करेंगे। प्रायः एड़ी के पाल्पेशन के द्वारा फुट की पहचान करेंगे। एड़ी यदि मिली तो हमें लगेगा कि ये फुट वाला भाग है। अब उसके बाद सावधानीपूर्वक हम थोड़ा सा प्रेशर लगाकर यूट्रस में गर्भस्थ शिशु की जो लेग को नीचे की ओर खींचेंगे जबकि यूट्रस मतलब एब्डोमेन पर स्थित जो बाह्य हाथ होता है मतलब ऊपर वाला हाथ जो होता है उसके द्वारा गर्भस्थ शिशु के सिर वाले भाग को विपरीत दिशा में ऊपर की ओर फंडल की ओर पुश करेंगे, ठीक है। इसमें अंदर हाथ यूट्रस के अंदर हाथ डालने के बाद उसके टांग मतलब लेग को नीचे की ओर खींचेंगे और ऊपर जो हाथ है अपना एब्डोमेन के ऊपर उससे क्या करेंगे सिर को विपरीत दिशा मतलब फंडस की ओर उसको पुश करेंगे, ठीक है। अब इसके इस प्रोसेस में करने के बाद इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जैसे कि यूट्रस रप्चर हो सकता है, प्लेसेंटा प्रीमेच्योर होने के कारण सेपरेट हो जाता है, एब्रप्टली प्लेसेंटा हो सकता है, कॉर्ड प्रोलेप्स हो सकता है और बर्थ एस्पेक्सिया भी हो सकता है फीटस में। तो ये कॉम्प्लिकेशंस में आ सकते हैं अगर इंटरनल रोटेशन हम कर रहे हैं तो जो है कॉम्प्लिकेशंस में हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे एक्सटर्नल रोटेशन के कुछ फोटोज है ये स्टेप वाइज। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे हम ये हेड को सिफेलिक वर्सन में हेड को नीचे की ओर ला रहे हैं और ये इसको पोडेलिक भाग को ऊपर फंडस की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज में देखेंगे हम कि ये इसको धीरे धीरे पुश करेंगे प्रेशर लगाते हुए, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड स्टेज मतलब सी, इसमें क्या होता है कि ट्रांसवर्स लाइन में बेबी आ जाता है, बेबी को ट्रांसवर्स लाइन में आ जाता है। अब ट्रांसवर्स लाइन में हमने लाने के बाद क्या बताया कि इसको ट्रांसवर्स लाइन में लाने के बाद बेबी का FHS फिर से मॉनिटरिंग करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, ये थर्ड स्टेज। अब फोर्थ स्टेज में क्या करेंगे फिर से उसको चेक करने के बाद फिर अपने हाथ को हैंड को चेंज कर लेंगे, मतलब जो जिस हाथ से हम हेड को पकड़े थे अब उसी हाथ से हम उसके
पोडेलिक वाले भाग को पकड़ेंगे बेबी के, और दूसरे जिस हाथ से पोडेलिक वाला भाग पकड़े थे उस हाथ को चेंज करके आप सिफेलिक पर पकड़ेंगे और फिर से बेबी को कंटिन्यू घुमाते रहेंगे। तो इस प्रकार से 4 स्टेप में हम ये एक्सटर्नल सिफेलिक आसन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कुछ क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।